दोस्तों बहुत कम लोग होते हैं जो टीवी के सास बहू वाले सीरियल से बॉलीवुड तक का सफर तय कर पाते हैं, और उन्हीं में से एक हैं द वेरी ब्यूटीफुल टैलेंटेड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर, जिन्होंने छोटे पर्दे से अपनी शुरुआत की और आज अपने पैशन और जुनून के चलते बॉलीवुड में एक जाना माना नाम बन चुकी हैं और सीतारामम जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी देकर बॉलीवुड की फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस में गिनी जाने लगी हैं। जहां एक तरफ लोग कहते हैं कि टीवी वालों के लिए बॉलीवुड में कोई जगह नहीं है, वहीं दूसरी तरफ मृणाल ने इन सब स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करके बॉलीवुड में आज अपनी एक पहचान बना ली है। लेकिन मृणाल के लिए भी ये सफ़र इतना आसान नहीं था, इन्होंने भी बहुत कुछ झेला है, चाहे वो बॉडी शेमिंग हो या फिर वो सास बहू वाली एक्टर को लेकर टॉन्ट। और आज हम मृणाल की इसी अनसुनी कहानी को इस वीडियो के थ्रू जानने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ और हेल्दी होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी ब्यूटीफुल एंड सेल्फ मेड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर के बारे में, जानेंगे इनके यहाँ तक पहुँचने के इस स्ट्रगल के बारे में और बहुत सी अनसुनी बातें इनके बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे, और कुछ पर्सनल बातें इनके लव लाइफ से रिलेटेड भी। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। मृणाल का जन्म 1 अगस्त 1992 को महाराष्ट्र के नागपुर में एक मिडिल क्लास ठाकुर फैमिली में हुआ, जहाँ इनकी फैमिली में एक भाई और एक बड़ी बहन है जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट हैं। मृणाल के पापा बैंक मैनेजर थे, जहाँ उनके ट्रांसफ़र काफ़ी फ्रिक्वेंटली होते रहते थे, जिस वजह से मृणाल ने अपनी लाइफ में 11 स्कूल चेंज किए हैं। जैसे ही मृणाल के स्कूल में दोस्त बनते थे, वैसे इनके पापा का ट्रांसफ़र हो जाता था और इन्हें स्कूल चेंज करना पड़ता था, जिस वजह से मृणाल को एडजस्ट करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। इनके मम्मी पापा चाहते थे कि एक डेंटिस्ट बने, लेकिन इन्हें डेंटिस्ट बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और ये चाहती थी कुछ ऐसा करना जिससे ये कैमरा के सामने हो, लोग इन्हें जाने और पहचाने। और तब इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना मास और मीडिया कम्युनिकेशन किया जाए, जिससे ये टीवी पर भी आएंगी और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसी दौरान इन्हें पता चला कि टीवी पर आने के लिए न्यूज़ रिपोर्टर बनना ही एक रास्ता नहीं है। इन्होंने एक्टिंग के बारे में जाना और जो कि इन्हें काफ़ी इंटरेस्टेड लगा। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही इन्होंने टीवी सीरियल्स में एक्टिंग के लिए ऑडिशन देने शुरू कर दिए, जहां कुछ ही ऑडिशन देने के बाद इन्हें एक टीवी सीरियल खामोशियाँ के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। लेकिन मृणाल की लाइफ का टर्निंग पॉइंट सीरियल साबित हुआ कुमकुम भाग्य, जिसमें बुलबुल के कैरेक्टर से इन्हें लोगों ने बहुत प्यार दिया और ये रातों रात शो की जान बन गई, जहाँ इनके फन लविंग और चुलबुले कैरेक्टर को लोगों ने बहुत रिलेट किया। ये वो वक्त था जब इनका करियर टीवी इंडस्ट्री में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था, और तभी कुछ टाइम बाद इन्होंने डिसीजन लिया इस सुपरहिट शो को छोड़कर कुछ और ट्राई करने का, और ये चली गई मराठी मूवीज़ की तरफ, जहाँ इन्होंने कुछ फेमस मराठी मूवीज़ की जैसे विट्टी डंडू, स्वराज्य, और साउथ इंडस्ट्री की तरफ भी रुख किया। कुछ मूवीज़ करने के बाद मृणाल ने रियलिटी शो की तरफ रुख किया और नच बलिए 7 में अपने उस टाइम के बॉयफ्रेंड शरद के साथ पार्टिसिपेट किया। और तभी फिर उसके बाद मृणाल ने ट्राई किया कि वो अब हिंदी मूवीज़ के लिए ऑडिशन देंगी, और उसी दौरान लव सोनिया नाम की एक काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी के लिए ऑडिशन चल रहे थे, जो कि प्रोस्टिट्यूट्स की लाइफ पर बेस्ड थी, और ये ऑडिशन के लिए पहुँच गई, जहाँ ऑलमोस्ट 1500 लड़कियों ने ऑडिशन दिया था, जिसमें बहुत से टीवी एक्टर्स भी थे। और जब डायरेक्टर ने कास्टिंग के लिए ऑडिशंस को एनालाइज किया, तब उन्होंने देखा कि मृणाल की एक्टिंग काफ़ी इम्पैक्टफुल है, जिसके बाद उन्होंने मृणाल को इंटरव्यू के लिए बुलाया और मृणाल से कुछ क्वेश्चन किए, और उनके आंसर सुनने के बाद डायरेक्टर साहब और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, और लव सोनिया मृणाल की डेब्यू मूवी साबित हुई। हालांकि ये मूवी काफ़ी कम लोगों ने देखी है, लेकिन जिसने भी देखी है उसने मृणाल की एक्टिंग को काफ़ी अप्रिशिएट किया, क्योंकि प्रोस्टिट्यूट का रोल काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन मृणाल ने उसे काफ़ी रियलिस्टिकली निभाया। इसके बाद मृणाल ने कुछ और मूवीज़ के लिए भी ऑडिशन दिए थे, जैसे थग्स ऑफ हिंदुस्तान और सुल्तान, लेकिन दोनों में से कोई भी मूवी इन्हें नहीं मिली, क्योंकि मृणाल उस टाइम थोड़ी चबी होती थी। और उसी दौरान एक डायरेक्टर ने इन्हें एडवाइस दी थी कि अपना वेट लॉस करें और अपनी फिटनेस पर ध्यान दें, तभी इन्हें बॉलीवुड मूवीज़ मिल पाएंगी। हालांकि मृणाल की एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी, मृणाल ने इस एडवाइस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करके वेट लॉस किया, ऑलमोस्ट 12 kg। मृणाल ने खाना पीना सब छोड़ दिया और बस डाइटिंग और वर्कआउट। ये बताती हैं कि ये सुबह 4 बजे उठती थी और शाम तक ये इतनी एग्जॉस्ट हो जाती थी कि इनके पास अपनी फैमिली से बात करने का भी टाइम नहीं होता था।
और वो वक्त इनकी लाइफ का एक सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज था। लेकिन मृणाल बताती है कि अगर किसी चीज़ के लिए मेहनत की जाए कि वो कभी वेस्ट नहीं होती, भले ही इन्हें थग्स ऑफ हिंदुस्तान और सुल्तान में रिजेक्ट कर दिया गया हो, जिसके बाद इनका इतना हार्डवर्क ये सुपर 30 मूवी में काम आया। और सुपर 30 मूवी साइन करने के 4 महीने बाद इन्हें पता चला था कि मूवी में इनके अपोजिट ऋतिक रोशन है, जिसके बाद इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। 2019 में इन्होंने सुपर 30 के बाद 2022 में कमबैक किया जर्सी मूवी से। हालांकि दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और जर्सी तो पूरी तरह फ्लॉप रही। लेकिन इसी साल 2022 में मृणाल ने कन्नड़ मूवी भी की थी, जिसका नाम हाल ही में काफ़ी पॉपुलर हुआ है, सीतारामम। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि 15 करोड़ के बजट में बनी ये सीतारामम मूवी ने बॉलीवुड के सुपरस्टार्स की मूवी लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन जैसी मूवीज़ को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। और सीतारामम केवल साउथ में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही। और इस मूवी की इतनी मैसिव पॉपुलैरिटी से मृणाल की लाइफ पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि मृणाल की लाइफ की ये पहली ब्लॉकबस्टर मूवी थी। और इसी वजह से मृणाल आज बॉलीवुड की वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेसेस में आ चुकी हैं और आने वाले टाइम में हम इन्हें बहुत सी मूवीज़ में देखने वाले हैं। चलिए मृणाल, आप ऐसे ही सुपर हिट मूवीज़ देती रहें और काफ़ी आगे जाएं। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहेंगे। दोस्तों, आपका क्या कहना है मृणाल ठाकुर के बारे में, आप कॉमेंट करके ज़रूर बताना। आपको इनकी एक्टिंग कैसी लगती है? और अगर आपने भी सीतारामम मूवी देखी है तो उसका रिव्यू भी आप कॉमेंट में शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई शिकायत या सजेशन करना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।